देखो दोस्तों, आज मैं चलाने आया हूँ देश की सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कॉम्पैक्ट एसयूवी, वो है आपकी निसान की मैग्नाइट। और इसमें दो चीज़ें नहीं है, इसमें एक नया एडिशन आया है, वो है क्यूरो एडिशन। क्यूरो मतलब ब्लैक, ऑल ब्लैक रहेगी गाड़ी, और आगे से कैलिपर वगैरह रेड ट्रीटमेंट उसमें थोड़ा बहुत दिया गया है, और अंदर भी सारा इंटीरियर ब्लैक कर दिया गया है, टोटली ब्लैक कर दी गई है। जिन्हें ब्लैक कलर पसंद है उनके लिए बेस्ट है, और ज्यादा बजट नहीं है तो वो गाड़ी बेस्ट है। और अब आया है ये AMT। AMT में ये चार पांच चीजें यूनिक बता रहे हैं। पहली बात, ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाला है, यानी कि जिन गाड़ियों की कीमत 7.5 लाख के आसपास है उसमें AMT का कम से कम 55,000 रुपये ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि ये उससे भी कम कीमत में देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी, ये सारे वेरिएंट में मिलेगा, बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक ये ऑप्शन देंगे AMT का। इनका ये भी कहना है कि NVH में सुधार किया गया है, केबिन नॉइस काफ़ी कम हो गई है, और जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और बात करें फीचर्स की, लगभग वही मिलते हैं, लेकिन सेफ्टी फीचर के तौर पे इसमें हिल होल्ड ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर एड ऑन कर दिए गए हैं। अब बात ये है कि इस AMT को तो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये सबसे सस्ता होने वाला है इस सेगमेंट में। गाड़ी भी बिल्कुल सस्ती है, जब इन्होंने गाड़ी को लॉन्च किया था आज से 3 साल पहले, तब भी इसकी यही USP थी कि ये काफी वैल्यू फॉर मनी थी, तभी लोगों को पसंद भी आई कम दाम में इतनी बड़ी गाड़ी। अब गाड़ी में आरामदायक AMT तो दे दिया गया है, लेकिन कितना रिफाइन है, कैसे वो चलता है, वो जानना काफी जरूरी है। आपको इस गाड़ी को क्यों लेना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। आइए, लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। गाड़ी को चलाने से पहले एक रिवाज होता है जो कि हम इस गाड़ी के साथ भी करना चाहते हैं, वो है गाड़ी के अंदर अच्छा परफ्यूम रखने का, वो है इन्वॉल्व का। इस बार हम ट्राई करेंगे मस्क। इनका बेस्ट सेलिंग है, काफी जबरदस्त फ्रेग्रेंस आती है और काफी लोग इसकी तारीफ भी करते हैं, बेस्ट सेलिंग इसीलिए है ये। और इसको मैं इस गाड़ी में रख देता हूँ, यहाँ पर कप होल्डर में भी आप इसको रख सकते हैं। इसके साथ 3M का टेप आता है, उससे आप इसके डैशबोर्ड में भी इसको चिपका सकते हैं। गाड़ी के अंदर इसको रखने में ना एकदम प्रीमियम वाली फीलिंग आ जाती है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका जो है लिंक दिया हुआ है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इनके पास बहुत टाइप के परफ्यूम है, एयर परफ्यूम भी है, इस टाइप के भी परफ्यूम है, जेल टाइप के भी हैं। आप अपनी पसंदीदा फ्रेग्रेंस को चुन सकते हैं या फिर आप ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात बताएं मुझे इस गाड़ी में क्या लगी, इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले आता है। और रही वाइब्रेशन की बात, नॉइस की बात, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो दिख रहा है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको वैसे ही हमिंग सुनाई देती है बॉडी में, गाड़ी का इंजन जब स्टार्ट होता है वाइब्रेशन फील होती है, जब आप गाड़ी को चलाते हैं तब भी वाइब्रेशन फील होती है, आपको शायद आवाज आ भी रही होगी। देखिए ग्राउंड क्लियरेंस वाकई में काफी अच्छी है गाड़ी की, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट थोड़ा बहुत ना ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। अभी AC भी ऑन है, हल्की फुल्की जब चढ़ाई आ रही है तब इसमें ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रही है, तब इसमें ज़्यादा हमिंग फील हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि यार ये स्ट्रगल कर रही है थोड़ा बहुत। अभी यहाँ से निकालने के बाद इसको थोड़ा सा रोड में चला कर देखेंगे। AMT आपकी ड्राइव को ईजी करने के लिए है, इतना ज़्यादा वो स्पोर्टी नहीं होता या फिर आप कह सकते हैं स्मूथ नहीं होता, ये सब आपको पता है, लेकिन इस गाड़ी में कैसा फील करा रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है, देखिए आगे कितनी ऊपर चढ़ाई है, ये बेनिफिट तो है मैग्नाइट का। अब और ये तो वापस आ गई यार, ये देखिए पैडल दबा रहा हूँ मैं, और तो इतना ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है, कहने का मतलब ये है। अब देखते हैं परफॉर्मेंस, हेड नॉट अच्छे खासे, बहुत टाइम लगा रही है गियर शिफ्ट करने में, मैं पूरे पेडल में खड़ा हूं, गाड़ी अच्छा रिस्पांस ना करे, मतलब गाड़ी उतनी ज्यादा स्पोर्टी ना चले, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन जो आपकी मंशा है गाड़ी जल्द से जल्द समझे वो ज्यादा सही है। अगर आप इसे शहर में चलाएंगे तो कन्वीनियंट तो ये रहेगा क्योंकि आपको गियर चेंज नहीं करने पड़ेंगे, क्लच नहीं दबाना पड़ेगा, बट बात यहाँ पर यह है कि आपको इसको चलाने में मज़ा नहीं आने वाला है। देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, जो काइगर AMT आता है, जो ट्राइबर में AMT आता है 1 लीटर वाले में, तो ये वैसा ही फील करा रही है, कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है। अब देखिए आगे चढ़ाई है, मैं यहाँ पर इसको रोक लेता हूँ, इसका हिल होल्ड चेक करेंगे, चढ़ाई काफ़ी अच्छी खासी है, कैमरे में आपको पता चल पा रहा हो या फिर नहीं चल पा रहा हो, देखिए ब्रेक छोड़ दिया मैंने, बट अच्छी बात यह है कि
हिल होल्ड के काम करने के बावजूद भी गाड़ी क्रीप मोड में चढ़ाई चढ़ रही है, काफी स्ट्रांग है क्रीप मोड। अब हाईवे में से भगाते हैं। 6000 प्लस आरपीएम तक इसकी जो है रेड लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6000 से ऊपर जा रही है। ये 100 की स्पीड में ये गाड़ी 3000 आरपीएम पे चल रही है पांचवे गियर पे। देखिए डाउन शिफ्टिंग का टाइम, गियर शिफ्टिंग का टाइम काफी डिले है, काफी टाइम लगाता है, लेकिन हाँ आपको जो है गियरों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। आप इसको मैं थोड़ा सा प्यार से चलाता हूँ, तमीज से चलाता हूँ, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स करती है ये गाड़ी। स्लो स्पीड में भी इसमें हेड नॉट्स हैं, आप देख सकते हैं काफी टाइम लगा रही है। ठीक है, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे यूटिलिटी पर्पस के लिए गाड़ी चाहिए, आपका बजट ज्यादा नहीं है, तो वहां पर ये फिट बैठती है। अब देखिए निसान का फ्यूचर क्या है, सब लोगों का सवाल रहता है। तो इन्होंने कल अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था कि इनकी तीन गाड़ियां आ रही है, एक सी सेगमेंट की आएगी, एक सी प्लस सेगमेंट की आएगी और एक ईवी आएगी। तो फ्यूचर प्लान तो इनका ऐसा लग रहा है कि ये रहेंगे, टिकेंगे और आपको अच्छे प्रोडक्ट भी देंगे। बट फिलहाल जो ये एएमटी है उसके बारे में बात करते हैं। और फ्यूल एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, मैं जब से इसको चला रहा हूं तो लगभग 8 का एवरेज ये दे रही है, मैं इसको एक बार रिसेट कर देता हूं। तो इस ट्रिप का एवरेज देखेंगे हम लोग, एवरेज हो गया है 0, गाड़ी को बंद करके स्टार्ट करना पड़ा। ये बटनों का जो रिस्पॉन्स है ना वो भी काफ़ी डिले है, और साथ के साथ जो ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी है ये पहले से ही उतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यही वजह है कि निसान मैग्नेट तभी इतने जो है कम प्राइस में आपको मिल जाती है। सेंटर कंसोल हिलता हुआ आपको दिखाई देगा आपके पैरों के वजन से, लेकिन एक बात ये है कि सीटों का कंफर्ट जो है काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रॉपर आर्मरेस्ट मिल जाता है, पीछे एसी वेंट मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जो इसकी वेंट्स है उसके जो क्वालिटी है वो भी मुझे उतनी ज़्यादा खास नहीं लगी। अब इसको चलाते हैं, इसको ज़्यादा तेज स्पीड में नहीं चलाएंगे, 70-80 में मैं इस खुले हाईवे पे इसको चलाऊंगा तमीज से। देखिए राइड क्वालिटी की बात करें तो सस्पेंशन ऐसे दिए गए हैं जिससे कि आपको कंफर्ट मिले, कंफर्ट अच्छा खासा मिलता है सस्पेंशन से आपको। एक बार फिफ्थ गियर में आने के बाद जब हाईवे पे क्रूज कर रही है ना, तब आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं होगा कि यार इतना कम रिस्पॉन्सिव है, ये है, काफ़ी अच्छी चल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार ये स्पीड गेन कर लेती है तो अब यहाँ से हम यू टर्न लेंगे, एवरेज बढ़ के 10 किलोमीटर पर लीटर के आसपास हो गया। अरे अरे, तो देखिए दोस्तों कुछ देर मैंने काफ़ी प्यार से इस गाड़ी को चलाया तो इसने 15.4 के आसपास के दिखा रही है एमआईडी पे। तो कहने का मतलब है आराम से चलाने में ये एवरेज आपको काफ़ी अच्छा देगी। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा जो इसकी ट्यूनिंग है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। इस गाड़ी के साथ अगर आप हार्ड एक्सेलरेशन करते हैं ना तो ये फ्लोर में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन फील कराती है। अगर मैंने पेडल को इसको दबाया, स्टेयरिंग में भी फील हो रहा है, रिस्पॉन्स में काफ़ी डिले है, काफ़ी डिले है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप अगर चाहते हैं मैं अगर पैडल को दबा के एकदम से निकल जाऊंगा, या फिर आप ओवरटेक कर रहे हैं, तो इस गाड़ी के साथ आप ऐसा मत करना, क्योंकि इस मामले में भरोसे लायक नहीं है ये। हो सकता है कि इसका जो थ्रॉटल जो आपने दबाया है उसका रिस्पॉन्स आपको मिले ही ना। इस इंजन को और रिफाइन करना था और इस एएमटी को और ज़्यादा ट्यून करने की सख्त ज़रूरत है, तब ये गाड़ी लेने लायक होगी। मैनुअल में आपको पता तो रहता है कि आप कैसे चला रहे हैं गाड़ी को, आप कंट्रोल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लच का जो ऑपरेशन है वो आपके हाथों में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिले है, आपको उसको यूज़ टू होना पड़ेगा। ये देखिए मैं ओवरटेक करने के लिए काफ़ी टाइम लगा, मतलब कि जो आप चाह रहे हो वो हो ही नहीं रहा है। थ्रॉटल का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, भले ही उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन ना हो गाड़ी में, पावर उतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन पैडल दबाया है तो फीडबैक मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए। सेम चीज़ डाउन शिफ्टिंग के टाइम पर भी है। ये देखिए पैडल को मैं दबा रहा हूँ, अब मिला है। कुछ होना हो, मुझे जो इसका हॉर्न है काफी अच्छा लगा, और ब्रेकिंग भी काफी अच्छी है यार, उतनी ज्यादा शार्प नहीं है ब्रेक बाइट, लेकिन ब्रेक काफी अच्छे तरीके से लग रहे हैं
और रुक रही है गाड़ी जब आप चाह रहे हैं। देखिए इस गाड़ी में जो टर्बो इंजन आता है और जो साथ में सीवीटी आता है ना, वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो वो जरूर ले सकते हैं, लेकिन आपके पास बजट अगर कम है, उसमें आपको ऑटोमेटिक चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए, सेगमेंट एक अच्छा होना चाहिए गाड़ी का जो कि कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला है, आप अगर बस यूटिलिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये ठीक ठाक ऑप्शन है कम प्राइस में। हालांकि अभी इसकी प्राइस आई नहीं है, जब आएगी तब डिसाइड करेंगे कि लेने लायक है। तो दोस्तों यही है मोटा मोटा इस गाड़ी के बारे में। बाकी जो आपका डार्क एडिशन है जिसे ये कूरो बोल रहे हैं, उसमें भी आपको ऑटोमेटिक मिलेगा कम दाम में, एक अच्छी दिखने वाली गाड़ी, एक बड़ी सी गाड़ी आपके घर के आगे खड़ी हो जाएगी और आपकी यूटिलिटी पर्पस के लिए वो बिल्कुल सही रहेगी। अगर इतनी ही सोच है तो इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ चाहिए तो फिर आप दूसरी गाड़ियों पे भी जा सकते हैं, और भी अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस गाड़ी के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय।